ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग फिलहाल जीएस के सेक्शन में ज्योग्राफी को डिस्कशन कर रहे हैं और इस ज्योग्राफी के डिस्कशन में ओशनोग्राफी चैप्टर देख रहे हैं। ओशनोग्राफी चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओशन करेंट्स के बारे में और इसी ओशन करेंट को जरा आगे लेकर के चलते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली टेम्परेचर और सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ओशियन में किस तरीके से है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द कोर्सेज विच इज प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इस सेक्शन में बात करें तो हम लोग बेसिकली वर्टिकल और टेम्परेचर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग पहले देखें कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लेते हैं कि ये हमारा ओशियन है। इस ओशियन का टेम्परेचर लगातार अगर चेंज होता रहेगा तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ में कई और दिक्कतें भी सामने आ जाएंगी, जैसे सी फ्लोर का या फिर कह लीजिए कि सी वाटर या ओशियन वाटर का स्प्रेड करना, और इस स्प्रेड करने के कारण से अल्टीमेटली डिजास्टर आने की जो संभावना होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये ओशन करंट को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे और कोस्टल लैंड की भी क्लाइमेट को इंपैक्ट करेंगे। तो इस वजह से हमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म एट वेरियस डेप्थ ऑफ ओशन। तो अगेन ये मरीन इकोसिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ में क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड्स। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि आखिर में ओशियन में हीट का सोर्स क्या है और ओशियन कूल कैसे होती है। तो बेसिकली ओशियन में एक तरीके से हीट बैलेंस कैसे हो रही है, फटाफट देखें। अगर तो देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि हमारा ओशियन का सरफेस है, दिस इज मान लेते हैं कि ओशियन, तो ओशियन में ऑब्वियसली सन रेज के कारण से हमें एनर्जी मिल रही है, सन रेज या फिर कह लीजिए कि सन के इंसुलेशन के कारण से हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन ये एनर्जी केवल और केवल सनरेज के कारण से ही नहीं मिलती है, बल्कि और भी कई सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी अगर जनरेट होने के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज है, जैसे पहली सोर्स है इंसुलेशन फ्रॉम द सन, और सन हमें पता है कि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है और इसके जरिए शॉर्ट वेव के जरिए आखिर में ये वेव ओशियन के सरफेस पे आ जाती है। शॉर्ट वेव क्या है ये हम लोग जब आगे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली इंसुलेशन वगैरह के बारे में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे। इस सोर्स के अलावा दूसरा सोर्स होता है जो फ्रिक्शन जनरेटेड होती है, यानी कि जो वाटर की जो इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन के कारण से यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ में कन्वेक्शन करंट्स भी होती है। कन्वेक्शन करंट कहने का मतलब ये है कि ये है आपकी कैसी प्लेट, ये है आपकी ओशियनिक प्लेट, या फिर बोल सकते हैं कि दिस इज बसाल्टिक प्लेट, और इस बसाल्टिक प्लेट के होने के कारण से नीचे ऑब्वियसली यहाँ पर एस्थोनोस्फीयर होगा, और इस एस्थोनोस्फीयर में ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होगा, जिसके कारण से यहाँ पर मैग्मा या फिर कह लीजिए कि मेंटल प्लूम यहाँ पर बने हुए होंगे। तो इस मेल्टल प्लूम के कारण, इस मैग्मा के कारण यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा। इस हाई टेम्परेचर के द्वारा लगातार कन्वेक्शन करंट चल रही होगी, और उस कन्वेक्शन करंट के कारण से यहाँ पर भी बॉइलिंग बेसिकली देखने को मिलेगी, और इस बॉइलिंग के कारण यहाँ पर भी उस हीट का एक सोर्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहाँ पर बेसिकली हीट सोर्स के हमें तीन रीजन मिल जाते हैं और तीनों रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब जरा देखते हैं कि आखिर में हीट लिबरेट कैसे होती है। तो लिबरेट होने के लिए अगेन एक तो होती है जो आपकी नॉर्मल एल्बिडो होती है, एल्बिडो या इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, या फिर ओशियन से लगातार एनर्जी जो निकल रही होती है, तो एल्बिडो यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दूसरी होती है जो एडवेक्शन के कारण से निकल रही है। एडवेक्शन का मतलब यहां पर मान लेते हैं कि सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर के साथ साथ यहीं पर जो विंड ब्लो कर रही है वो एडवेक्शन के जरिए इसके टेम्परेचर को रिलीज कर देती है, इसके टेम्परेचर को कह लीजिए कि एयर अपने अंदर में ले लेता है, और इस तरीके से अगेन ओशियन वाटर कूल होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हीट, सरफेस एंड एटमॉस्फेयर एडवेक्शन। लास्ट में होती है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी होती है। जितना ज्यादा यहाँ पर हीट जनरेट होगा या कह लीजिए जितना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
इवेपोरेशन भी होगा और इस तरीके से हमें ये सिस्टम देखने को मिलेगा जहां पर हमें वाटर की कूलिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों का सिस्टम को समझ लिया, अर्थ के जो भी ओशन प्रेजेंट है वहां पर हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी कैसे आ रही है और एनर्जी कैसे जा रही है। क्लियर। अब हम लोग अगर देखें कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन में कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइनिंग होते हैं या फिर कह लीजिए कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इंसुलेशन ही होती है। इंसुलेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से सन रेज आती हैं और अल्टीमेटली सी के ओशियन के टेम्परेचर को बढ़ा दे रही हैं। दूसरी होती है हीट लॉस। हीट लॉस भी कई तरीके से हो सकती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक होती है जो एडवेक्शन के कारण से हो रही है और दूसरी हो रही है जो इवेपोरेशन के कारण से हो रही है, और तीसरी तो खैर टेम्परेचर है ही, टेम्परेचर के कारण से तो हो ही रहा है। तीसरी होती है एल्बिडो, जिसको कि हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण से ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बेसिकली होती ही रहती है, और इसके होने के कारण से हमें फैक्टर मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलग देखने को मिलता है। साथ ही साथ में होती है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर का फंडा ये होता है कि अगर कोई वाटर फ्रेश वाटर है और दूसरी है सैलिनिटी वाटर, सैलाइन वाटर, तो जब सैलाइन वाटर हो जाती है तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर में अब हीट होने के लिए फ्रेश वाटर के साथ साथ में सैलिनिटी कंपोनेंट भी आ गया है। इस कारण से सैलिनिटी वाटर की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर भी अगेन जो है यहाँ का अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ सबमरीन ब्रिज एंड ड्रिल्स के कारण से भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि इस इलाके में फिर इंसुलेशन ज्यादा मिल जाएगी और इसके कारण से यहाँ का जो ओशियन जो वाटर ट्रैप हो गई है यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पर इंसुलेशन ज्यादा हो गई और वाटर ट्रैप हो गया है। इसके अलावा शेप ऑफ ओशियन एंड इनक्लोज सी में भी हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके की देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें पैसिफिक ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन ऑब्वियसली काफी ज्यादा बड़ा है और इस ज्यादा बड़ा होने के कारण इसमें जब एम एस डेल्टा टी होगा तो ऑब्वियसली इस एम एस डेल्टा टी से जो ये डेल्टा टी है यानी कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हीट होने के लिए भी टाइम लगेगा, और चूंकि मास बहुत ज्यादा है इस वजह से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से जो पैसिफिक ओशियन होती है वो जनरली कूल होती है। वही अगर दूसरी ओर बात करते हैं अटलांटिक ओशियन की या फिर अगर हम लोग बात कर ले इंडियन ओशियन की, तो ये दोनों सरफेस ऑब्वियसली ये दोनों सी छोटे हैं, स्मॉल हैं, जिसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर राइज रिलेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशियन। और अगर छोटे बॉडी के और अगर आ जाए हम लोग तो ब्लैक सी या फिर मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात करें तो ये और भी छोटी होती है और ये और जल्दी गर्म हो जाती है। इसके अलावा अगर और छोटी बॉडी के बारे में बात करें तो लेक्स के बारे में बात करें या फिर कैस्पियन सी के बारे में बात करें तो अगेन ये बॉडी और छोटी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ही ज्यादा जल्दी यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज देखने को मिलता है। तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कि जो शेप ऑफ ओशियन एंड इनक्लोज सी है ये काफी ज्यादा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज आपस में दिखाते हैं। इसके अलावा लोकल वेदर कंडीशन सच एज साइक्लोन, ये भी एक कंडीशन होती है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को बदलती है, क्योंकि अगर बात करते हैं जैसे साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी में ऑब्वियसली लो प्रेशर जब भी क्रिएट होगा तो इस लो प्रेशर के कारण से यहां पर आती है टाइफून, और इस टाइफून के कारण से जो भी साउथ ईस्ट या फिर कह लीजिए साउथ चाइना के कंट्रीज हैं वहां पर हमें इस तरीके के डिजास्टर, इस तरीके की साइक्लोन देखने को मिलती है। लेकिन इस टेम्परेचर के लो प्रेशर क्रिएशन के कारण से यहां पर हाई टेम्परेचर देखने को मिल जाता है और इस हाई टेम्परेचर के कारण से अगेन एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज देखने को मिल जा रहा होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण से यहां पर प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर चलती है सी ब्रीजेज एंड लैंड ब्रीज, ये लोकल विंड्स होती हैं और इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस के कारण से यहां पर चल रही होती हैं। अगर मान लेते हैं इलाका छोटा है मतलब वाटर बॉडी छोटी है, एक एग्जांपल के तौर पे ही देख लेते हैं ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि लैंड है यहां पर, दिस इज सपोज आवर लैंड, और यहां पर मान लेते हैं कि ओशियन है, और ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, या फिर मान लेते हैं कि ये लेक है। टेम्परेचर ऑब्वियसली गर्मी के दिनों में और दिन में यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा जिसके कारण से लो प्रेशर जनरेट हो जाएगी, और जबकि यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली
लो होगा और यहां पर प्रेशर जो होगी वो हाई होगी, और इस कारण से हमें इस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड देखने को मिल जाएगी। लेकिन चूंकि ये बॉडी काफी छोटी है, यानी कि लेक काफी छोटा इंक्लोज्ड सी है, तो सीधी सी बात है ये जो विंड होगी काफी वीक विंड होगी, क्योंकि यहां पर भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही जल्दी बदल जाएगा और टेम्परेचर जो है बेसिकली वो लैंड के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये विंड डिस्ट्रीब्यूशन तब तक करते रहेंगे जब तक बेसिकली दोनों का प्रेशर हाई, यानी कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए, और जैसे ही दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो बेसिकली यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी सेम हो जाएगा। इसके अलावा विंड भी काफी ज्यादा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन को फर्क दे रही होती है, और इसका रीजन होता है एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब आप सब लोग समझ लीजिए कि दिस एडवेक्शन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का ही एक तरीका होता है, जैसे यहां पर होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये सरफेस है, इस सरफेस के कांटेक्ट में ओशियन का सरफेस है, मान लेते हैं कि उस सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण से जो हवाएं यहां पर हैं, ये हवा अगर गर्म होगी तो सीधी सी बात है यहां से ठंडी टेम्परेचर इससे ले लेंगी और इस तरीके से मॉइस्चर अपने अंदर में उठा लेती है। लेकिन अगर ये विंड कोल्ड विंड्स होती है तो ये सी सरफेस के नीचे पहुंच जाती है, क्योंकि भारी होती है, कोल्ड विंड है तो ऑब्वियसली डेंस होगा और इसके कारण से ये सी सरफेस को भी कोल्ड बना देती है। तो इस तरीके से जो विंड है वो भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, और इस तरीके की प्रोसेस को हम लोग एडवेक्शन बोलते हैं। फिर आती है हमारी ओशन करंट। ओशन करंट का फंडा एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। ओशन करंट का फंडा ये है कि ओशन करंट हर एक एरिया में, मतलब कि ग्लोबली ये ट्रेवल कर रही होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ही था कि कितनी ओशन करंट्स और कहां पर किस तरीके की, मतलब वार्म करंट है या फिर कोल्ड करंट है। इस वार्म करंट के कारण से हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ने पोलर एरिया, मतलब रशिया के एक पोलर एरिया यानी पोलर पोर्ट में मर्मांस्क को, जो कि बेसिकली ये एक ग्लेशियर इलाका होना चाहिए लेकिन इसको ये नेविगेबल वाटर बना के रखा हुआ था, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर, ये बेसिकली टेम्परेचर यहां का लोअर कर देता, मतलब हायर कर देता है, जिसके कारण से यहां पर ग्लेशियर जमने नहीं पाती है और फिर नेविगेशन बना रहता है। तो अपने आप में ओशन करंट भी काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है। ये सारे फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट थे, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि अच्छा बताइए कौन कौन से फैक्टर्स है जो ओशियन के टेम्परेचर को, डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप कंसेप्ट समझे रहेंगे तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन में, तो बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन, मतलब कि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो तरीके से हम लोग देखते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को। फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी होती है जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग हर एक इलाके में, चाहे वो हमारा पोलर इलाका हो, चाहे वो हमारा इक्वेटर का इलाका हो, चाहे वो हमारा मिड ट्रॉपिक या फिर ट्रॉपिकल का इलाका हो, तीनों इलाकों में जब हम लोग विद द डेप्थ अगर हम लोग जाते हैं, डेप्थ के साथ में कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज बेसिकली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्थ के साथ में जा रहे हैं। और वही अगर बात करते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अर्थ के सरफेस वाइज किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारी पूरी अर्थ है और इस अर्थ में, दिस इज इक्वेटर, इस इक्वेटर के पोलर इलाके तक, मतलब इक्वेटर से पोलर इलाके में जब आप जा रहे हैं तो सरफेस पे, या फिर कह लीजिए कि जो ओशियन है उसका टेम्परेचर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम लोग देखेंगे तो बेसिकली सी सरफेस टेम्परेचर को देख रहे होंगे, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर को ही नापा जाएगा। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पूरे ओशियन के, मतलब इलाके के, जैसे ये मान लेते हैं कि इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक्स है और ये हमारा पोलर इलाका है, इन तीनों इलाकों में हम लोग विद द डेप्थ जाकर के देख रहे हैं, गहराई में जाकर के देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हमें सामने देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग सबसे पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है,
तो हम लोग बेसिकली इस तरीके का एक कर्व बना सकते हैं जहां पर एक डेप्थ के साथ में हमारा एक ग्राफ बन गया है. तो दिस इज बेसिकली डेप्थ. डेप्थ में मतलब गहराई में आप जा रहे हैं और यहां पर हमारा लैटिट्यूड है. इस लैटिट्यूड में ऑब्वियसली 0 डिग्री के पास में आपको मिल जाएगा इक्वेटर. मान लेते हैं कि ये लैटिट्यूड, या फिर एक काम करते हैं कि दिस इज बेसिकली टेम्परेचर ले लेते हैं, लैटिट्यूडिनल टेम्परेचर ले लेते हैं. तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री होगा और यहां पर टेम्परेचर ऑब्वियसली आपको हाई टेम्परेचर मान लेते हैं कि 100 डिग्री है. ठीक है, अब ये बताइए कि हमारे पास 3 इलाके हैं. एक इलाका है पोलर इलाका, दूसरा इलाका है ट्रॉपिक्स का इलाका जहां पर इंडिया है, और तीसरा इलाका है मान लेते हैं कि इक्वेटर का इलाका है. टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? एवरेज सबसे ज्यादा हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है इक्वेटर के पास में. इफ अगर सन को हम लोग इक्वेटर पे मानते हैं, तो अगर सन को हम लोग इक्वेटर पे माने तब हमारी टेम्परेचर सबसे ज्यादा इक्वेटर पे देखने को मिलती है. दिस आर हाईएस्ट टेम्परेचर. लेकिन अगर ये या तो ट्रॉपिक्स या फिर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर आती है तो हमें टेम्परेचर ऑब्वियसली ट्रॉपिकल एरिया पर भी हाई देखने को मिल सकती है. यानी कि एक बात श्योर है कि या तो अगर इक्वेटर हम लोग इधर लेते हैं तो हो सकता है, इक्वेटर अगर इधर लेते हैं तो यहां पर हो सकता है कि ट्रॉपिक्स हो, या हो सकता है ट्रॉपिक्स और इक्वेटर अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करते रहें. लेकिन हाँ, ये एक बात श्योर है कि इन दोनों से कम हमें पोलर इलाके का टेम्परेचर देखने को मिलेगा. और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये सरफेस के टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हमें सामने आएगा. सरफेस पे मान लेते हैं कि टेम्परेचर पोलर के इलाके में, ऑब्वियस सी बात है पोलर के इलाके में ऊपर जो होती है ग्लेशियर जमी हुई होगी, लेकिन ग्लेशियर से जैसे ही नीचे आप जाएंगे तो यहां पर वाटर में बदल जाता है. तो वाटर का मतलब क्या है कि नीचे टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है. इस टेम्परेचर हाई के कारण से यानी कि टेम्परेचर जो होता है पहले इसका बढ़ेगा, लेकिन वही इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में अगर जाए तो टेम्परेचर जो होती है वो घटना शुरू होती है, और यहां पर भी घटना शुरू होती है. और एक अंत आता है जहां पर तीनों के तीनों बॉडी एक साथ मिलकर के फिर नीचे जाना शुरू कर देते हैं. यानी कि एक डेप्थ के बाद, एक सर्टेन डेप्थ के बाद इनका टेम्परेचर सेम हो जाता है थ्रू आउट द अर्थ. यहां पर जो टेम्परेचर में बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर हाई कर्व, ये इस तरीके से कर्व देखने को मिल रहा है, जहां ट्रॉपिक्स वाला या इक्वेटर वाला इस तरीके से हाई चेंज लेकर के आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इस इलाके को बोलते हैं बेसिकली थर्मोक्लाइन. दिस इज बेसिकली थर्मोक्लाइन. तो इस तरीके से हमारे पास 3 लेयर स्ट्रक्चर आती है. इस 3 लेयर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, जहां पर हमारी पहली जो जोन होती है इसको हम लोग फोटिक जोन बोल देते हैं, जहां पर सन रेज बेसिकली पहुंच रही होती है. तो ये बेसिकली फोटिक जोन होती है, और ये फोटिक जोन 200 मीटर तक लगभग होती है. वही अगर इसके नीचे बियॉन्ड बात करते हैं तो लगभग 800 मीटर तक हमें ये सामने देखने को मिलता है थर्मोक्लाइन. और फिर अल्टीमेटली नीचे तो जो है बेंथिक जोन हो जाती है, और इस तरीके से हमारी ये डीपेस्ट कह लीजिए कि ओशियन सरफेस सामने आ जा रही होती है, जिसका टेम्परेचर एक तरीके से यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है. इस तरीके से 3 लेयर बन जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन. समझ में आ गया क्या चीज है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है? फटाफट अगर इसकी थ्योरी को हम लोग देखें तो थ्योरी है कि फोटिक और यूफोटिक जोन एक्सटेंड फ्रॉम द अपर सरफेस टू 200 मीटर. द फोटिक जोन रिसीव सोलर रेडिएशन. जैसे हम लोगों ने टॉप से बात किया था ना, यहां पर कि 3 लेयर आई हुई थी हमारी, तो फर्स्ट लेयर हम लोगों ने बात किया था कि दिस इज बेसिकली द फोटिक जोन. इस फोटिक जोन के बाद फिर हम लोगों ने देखा था थर्मोक्लाइन के बारे में, और नीचे फिर बेंथिक जोन, या फिर हमारी सबसे नीचे आ जाती है. इन सारे सरफेस को जो नीचे आती जाती है इसको हम लोग बोलते हैं ए फोटिक जोन, क्योंकि यहां पर हमें सन रेज नहीं देखने को मिलती है. स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. यानी कि टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन ओवर मिडिल एंड लो लैटिट्यूड. मिडिल लैटिट्यूड का मतलब हो गया आपका जो ट्रॉपिक्स है, और साथ में लो लैटिट्यूड का मतलब हो गया जहां पर इक्वेटर है. इक्वेटर लो मतलब वही 0 डिग्री. ठीक है, तो दिस कैन बी अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम, क्योंकि यहां पर अगेन वही थर्मोक्लाइन वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी. द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर ऑफ द वार्म ओशियन वाटर एंड इट इज अबाउट 500 मीटर थिक विद द टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 20 to 25 degrees. This layer within the tropical region is present throughout the year, but in mid latitude it develops only during summer. Actually, summer के दौरान में insulation ज्यादा मिलती है, जिसके कारण से यहाँ पर temperature भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है. जो second layer होती है उसको बोलते हैं हम लोग thermocline layer, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा ही है.
इट इज बेसिकली बिलो द फर्स्ट लेयर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ, क्योंकि नीचे जाने पर टेम्परेचर जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है पोलर इलाके को छोड़ करके, पोलर इलाके में बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता है। थर्ड लेयर जो होती है वो वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशन फ्लोर, और यहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर सैचुरेटेड हो गया है, और ये तीनों के लिए सेम हो जाता है। अगर हम लोग थर्मोक्लाइन के बारे में बात कर लें या फिर जनरल बिहेवियर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो जनरल बिहेवियर बेसिकली आर्कटिक और एंटार्कटिक में थोड़ा सा, यानी कि पोलर इलाके में थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है वो सरफेस बेसिकली आईसी या फिर ग्लेशियर फॉर्मेट में बनी हुई है। द सरफेस टेम्परेचर आर क्लोज टू जीरो डिग्री एंड आर एंड सो द टेम्परेचर चेंज विद द डेप्थ इज वेरी स्लाइट। आइस जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, एंड हेयर ओनली वन लेयर ऑफ कोल्ड एयर एग्जिस्ट विच एक्सटेंड टू द सर्फेस टू द डीप ओशन फ्लोर। नीचे तक जो होती है वो एक ही लेयर जाती है, यानी कि लगातार इसके टेम्परेचर में इस तरीके से इंक्रीज और फिर उसके बाद से सैचुरेशन देखने को मिल जा रही होती है। द सर्फेस टेम्परेचर एंड इट्स डाउनवर्ड डिक्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द अपवेलिंग ऑफ बॉटम वाटर, और ये बेसिकली ज्यादा देखने को मिलता है हम पेरुवियन कोस्ट में। हालांकि हम लोगों ने अभी पेरुवियन कोस्ट के बारे में ज्यादा नहीं देखा है, हम लोग आगे जाकर के बात करेंगे एल नीनो ला नीना की, वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा इसका मतलब क्या चीज है। इन द कोल्ड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजियन, यानी कि पोलर रीजियन, सिंकिंग ऑफ कोल्ड वाटर एंड इट्स मूवमेंट ओवर द लोअर लैटिट्यूड, ये ऑब्जर्व करने को मिलता है। इक्वेटोरियल रीजियन ऑफ द सर्फेस वाटर समटाइम्स एग्जिबिट लोअर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ड्यू टू हाई रेनफॉल, वेयर एज द लेयर बिलो इट हैव हायर टेम्परेचर। एक्चुअली है क्या यहाँ पर, जरा ध्यान से समझिएगा। इक्वेटर पे कई बार क्या होता है कि जो सरफेस, यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास तीन लेयर है, इस लेयर में हमें कई बार इक्वेटर पे हमें ऑब्वियसली इक्वेटर पे हमें टेम्परेचर तो डिक्रीज देखने को मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर होती है और यहाँ पर आकर के फिर रिलेटिवली लो हो जाती है और अल्टीमेटली फिर सैचुरेशन हमें सामने देखने को मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर हमें लो देखने को मिल जाती है, और लो होती है बेसिकली वो सैलिनिटी के कारण से, और ये सैलिनिटी क्यों बढ़ती है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण से बढ़ जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। द इनक्लोज्ड सीन बोथ द लोअर एंड हायर लैटिट्यूड रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर एट द बॉटम। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना ज्यादा क्लोज रहेगा ऑब्वियसली वॉटर की बॉडी भी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर को फेस कर रही होगी। The enclosed sea of low latitude like Sargasso, Red Sea or Mediterranean Sea have high bottom temperature due to high insulation throughout the year and lesser mixing of the warm and ocean current. तो नीचे का सर्फेस रिलेटिवली क्या रहेगा, वार्म रहेगा, और इस तरीके से हमें चीजें देखने को मिल जाएंगी। In case of high latitude, enclosed sea and bottom layer of the water are warmer as water of slightly higher salinity and temperature move from the आउटर ओशन एंड सब सरफेस लेयर। देखिए यहां पर सैलिनिटी के बारे में काफी कुछ कंसेप्ट आ रहा है, अभी हम लोग जब सैलिनिटी के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा कि आखिर में ये क्या है। द प्रेजेंस ऑफ सबमरीन बैरियर में लीड टू डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन ऑन टू साइड ऑफ द बैरियर। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब के बारे में बात करें, तो यहां पर जो भी सेल या फिर सबमरीन बैरियर पाई जाती है जिसके हाइट को 366 मीटर यहां पर बताया गया, द सरफेस सब सरफेस वाटर इन द स्ट्रेट इज हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द वाटर एट द सेम लेवल इन द इंडियन ओशियन। अगेन क्यों, क्योंकि यहां पर भी कंस्ट्रेंट या फिर कह लीजिए कि यहां पर भी इंक्लोजर देखने को मिलता है, तो जैसे ही इंक्लोजर देखने को मिलेगा ऑब्वियसली इलाका अब ज्यादा इंसुलेशन प्राप्त करेगा, ये इलाका कम समय में ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इस कारण से हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर किस तरीके का है। तो ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, जहां पर हमारी बीच में आ जाती है ये इक्वेटर। इस इक्वेटर के कारण, इस इक्वेटर से जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पर आ जाती है ट्रॉपिक्स, और नीचे भी इसी तरीके से ट्रॉपिक्स रहेगी, और ऊपर आपकी आ जाएगी क्या चीज, पोलर इलाका। सेम फिगर नीचे भी ऑब्वियसली आ जाएगा, यहां पर आपको पोलर इलाका देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिकल इलाका। टेम्परेचर या तो इक्वेटर पे हाई होगा, तो देयर इज बेसिकली टू टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। एक इक्वेटर पे हम लोग मान लेते हैं कि हाई है और यहां पर तो ऑब्वियसली लो ही है, तो हमें एक जनरल पैटर्न देखने को मिलता है कि इक्वेटर से पोलर साइड में हम जब जा रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली टेम्परेचर में
डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से यहां पर भी और यहां पर भी दोनों ही साइड में बेसिकली डिक्रीज देखने को मिल रही है। बट इन केस अगर मान लेते हैं कि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर हाई है तो यहां पर बेसिकली कुछ इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग एक ग्राफ के तौर पे देखें तो मान लेते हैं दिस इज इक्वेटर और यहां पर मान लेते हैं कि ट्रॉपिक्स है, यहां पर भी मान लेते हैं कि ट्रॉपिक्स है। तो बेसिकली हमें इक्वेटर पे इस तरीके का टेम्परेचर लेकिन फिर इक्वेटर ट्रॉपिक्स पे और ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है और इस तरीके से यहां पर इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलती है। दिस इज बेसिकली नॉर्थ पोल का पोलर इलाका हो गया और यहां पर साउथ पोल का पोल इलाका हो गया। तो हमें इस तरीके का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है जहां पर जो पीक है वो ट्रॉपिक्स पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इंसुलेशन बेसिकली यहां पर मिल रही होती है। इस इंसुलेशन के बारे में हम लोग ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। अगेन ये फोटो हम लोग वहां पर भी देखेंगे। तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर है। फटाफट इसके बारे में देखें तो हायर टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ वाटर इज नियर अबाउट कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इक्वेटर से ये पोल के साइड में घटता जाता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैटिट्यूड। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलती है। द हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन बाय आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्मल लाइन का सीधा सा मतलब होता है कि इक्वल टेम्परेचर। आइसोथर्म जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस काफी हाई होता है। काफी हाई मतलब मान लेते हैं कि टेम्परेचर ये जो आइसोथर्म्स है ये दूर दूर है तो यहाँ पर क्या होगा 15 डिग्री है, ये मान लेते हैं 16 डिग्री की आइसोथर्म है तो क्या हुआ ज्यादा अगर दूर है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। लेकिन अगर बहुत पास पास है मान लेते हैं यहाँ पर 15 डिग्री है, यहाँ पर 14 डिग्री है, यहाँ पर 12 डिग्री है, यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर 9 डिग्री है तो यहाँ पर जो होती है 8 डिग्री आ जाएगी। यानी इसी डिस्टेंस में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा देखने को मिल गया। यानी अगर क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली स्पेस रहेंगे तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा इस पे क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास दिया नहीं है। जो हम लोग डिस्कस किए हैं बेसिकली उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आगे हमारी आती है सैलिनिटी। तो एक काम करते हैं सैलिनिटी को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, सेपरेट वीडियो हो जाएगी तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगेन वही टेलीग्राम चैनल वगैरह यूज करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं। सैलिनिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।